नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो है टेस्ट 6, यानी 5 टेस्ट में आपको ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप सबसे पहले पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, सो दैट आप कनेक्ट कर पाए कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं। पिछला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वहीं से हमने स्टार्ट करी है अपनी वोकैबुलरी की। उससे पहले एक वीडियो मैंने डाला था, वो इंट्रो वाला वीडियो था, उसको भी आप जरूर देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप अपनी वोकैबुलरी को एनहेंस करेंगे, बढ़ाएंगे, उससे क्या क्या तरीके होने वाले हैं, क्या सिस्टम हमने बनाया है, वो आप इंट्रो वाले लेक्चर में देख लीजिए। सेकेंड लेक्चर, जो सेकेंड वीडियो हमने डाला था, उसमें मैंने आपको फर्स्ट डे, पहले दिन हमने क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या क्या हमने उसमें परफॉर्म किया है, 5 टेस्ट हमने उसमें परफॉर्म किए हैं, उन 5 टेस्ट की मदद से आप अपने इवेल्युएशन कर पाएंगे कि किस प्रकार से आप अपनी वोकैबुलरी को एनहेंस करेंगे। और अभी फिलहाल एट प्रेजेंट आप 5 स्टैंड करते हैं। उन 5 टेस्टों में सबसे पहला टेस्ट हमारा था वर्बल स्पीड एलिमेंट्री, उसके बाद वर्बल स्पीड एडवांस, दो तो यही थे। उसके बाद हमारा था आपका सिनोनिम्स, जो थर्ड हमारा टेस्ट था वो था सिनोनिम रिकॉल, यानी कितने टाइम में हम अपने सिनोनिम्स को रिकॉल कर पाते हैं, यानी जो वर्ड्स हमने अभी तक सीखे हैं, आज तक सीखे हैं, उनको कितने समय में हम रिकॉल कर पाएंगे। उसके बाद देखिए फोर्थ हमारा जो टेस्ट था वो था सिनोनिम रिकॉग्निशन, क्या हमारे सामने अगर सेम मीनिंग वाले वर्ड्स अगर हमारे सामने रखे हैं, हमारे सामने दिख रहे हैं, तो क्या हम उनको पहचान पा रहे हैं। ये हमारा था फोर्थ टेस्ट। और फिफ्थ टेस्ट था हमारा होमोनिम्स क्या होता है। होमोनिम्स देखिए वो होता है कि सिमिलरली प्रोनाउंस होने वाले वर्ड्स बट उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। ये था हमारा फिफ्थ टेस्ट। तो इस प्रकार से हमने 5 टेस्ट ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं और उनके माध्यम से हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ये सारी की सारी जितने भी एक्सरसाइज हैं 5 वो करवाई हैं विद एग्जांपल्स। आप पिछला वीडियो जरूर जाकर देख लीजिए। आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं टेस्ट 6 क्या है, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स। आप अपने शब्दों को देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो शब्द हैं आपके डिक्शनरी में, जितने भी शब्द हैं वो आपकी पावर है, वो आपका पावर हाउस है। क्योंकि अगर आप शब्दों की ताकत को नहीं पहचानेंगे तो फिर आपकी जो पर्सनालिटी है वो उतनी इफेक्टिव तरीके से निकल कर नहीं आएगी जितनी इफेक्टिव तरीके से आनी चाहिए। तो अपने शब्दों की ताकत को पहचानिए। आपके पास जो शब्द हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप अपनी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, आपके अंदर जितनी पावर है शब्दों की, वही आपकी पर्सनालिटी के थ्रू बाहर निकल कर आती है। और उसी पर्सनालिटी को एनहेंस करने की हम कोशिश कर रहे हैं शब्दों के थ्रू, वोकैबुलरी के थ्रू। आप यकीन मानिए, अगर आप 30 दिन तक 30 डेज, इस बुक का नाम है 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी, आप फिलहाल कहाँ स्टैंड करते हैं, डजंट मैटर। आपके पास अभी कितने शब्द हैं, डजंट मैटर। लेकिन जब आप इस बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब आपके पास क्या होगा वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे आज टेस्ट 6, और टेस्ट 6 है क्या, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स। हम शब्दों को किस प्रकार से समझ पाते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो इटैलिसाइज्ड वर्ड दिए यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, देखिए जैसे ये नंबर 1, इनकी डेफिनेशन दी गई है ऑप्शंस में, नीचे ऑप्शंस में इनकी डेफिनेशन दी गई है, वहां से आपको पिक करना है कि कौन सा डेफिनेशन या कौन सा मीनिंग सही है उस इटैलिसाइज्ड वर्ड के लिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इतना ही काम आपने करना है। और इसके लिए हम आपको कितना टाइम दे रहे हैं, ये एक्सरसाइज के लिए आपको टाइम मिल रहा है 2 मिनट, ठीक है। आप इसको पॉज करके, इस एक्सरसाइज को आप पॉज करके देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ कंटिन्यू कराने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, लंबा हो जाता है। आप इसको यहाँ पॉज कीजिए, ठीक है, वीडियो को आप पॉज कीजिए। कोई भी इस जैसे ही मैं इसको करा दूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पर आंसर्स को भी पेस्ट कर दूंगा, मैं यहाँ पर आंसर्स को भी पेस्ट कर दूंगा, वो आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन आप इसको फिलहाल इसी कंडीशन में इस एक्सरसाइज को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद आप इसको परफॉर्म कीजिए, ट्राई कीजिए कितने वर्ड्स मीनिंग आपको पता है, कितने वर्ड्स की डेफिनेशन आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर वर्ड दिया गया है और वर्ड के साथ साथ आपको यहाँ पर उसका मीनिंग, यानी एक दो तीन, तीन तीन यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको इसका मीनिंग देखना है, लिखना है। तो ये आप स्टार्ट कर सकते हैं, टाइमर लगा लीजिए अपने मोबाइल में 2 मिनट का और ईमानदारी के साथ इसको परफॉर्म कीजिए और लास्ट में फिर आप देखिए कि आपको कितने वर्ड आते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ कंटिन्यू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा दिया गया है एक्रीमोनियस आर्गुमेंट। देखिए एक्रीमोनियस आर्गुमेंट, फिर उसके बाद ऑप्शन पढ़ते हैं, लॉन्ग वाइंडेड, शार्प, बीटिंग, सार्कास्टिक और डल, पॉइंटलेस एंड इनकोहेरेंट। ठीक है, तो एक्रीमोनियस का जो मतलब होता है, देखिए एक्रीमोनियस का मतलब होता है उग्र, एक्रीमोनियस का मतलब होता है उग्र या फियर्स, रेडिकल, हॉट, फोर्सफुल, ये सभी मतलब होते हैं एक्रीमोनियस के। तो इस मीनिंग के साथ आपको कौन सा ऑप्शन सबसे सही लग रहा है, देखिए लॉन्ग विंडेड नहीं, शार्प, बीटिंग, सार्कास्टिक, इनका भी मतलब वही होता है, शार्प, बीटिंग, सार्कास्टिक। सार्कास्टिक का मतलब होता है जो किसी के ऊपर तंज कसता है, शार्प तेज तर्रार, बीटिंग मतलब जो दूसरों के ऊपर तंज कसने वाला होता है। ये जितने भी यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, एक दो तीन, इनके मतलब, इनके मीनिंग मैच करते हैं हमारे एक्रीमोनियस वर्ड के साथ। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी हमारा आंसर हो जाएगा, एक्रीमोनियस। ठीक है, मैं इनके जो मीनिंग है वो लास्ट में पेस्ट कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट दूसरा, अच्छा इनको आपको सही से स्पेल करना भी आना चाहिए और सही से इनको आपको प्रोनाउंस करना भी आना चाहिए। नंबर दो पे चलते हैं, सोपोरिफिक। सोपोरिफिक का मतलब होता है, देखिए बोरिंग, सो बोरिंग, एस टू पुट वन टू स्लीप, ऐसा लेक्चर, इसने बोला है सोपोरिफिक लेक्चर। आपने भी देखा होगा क्लास में या किसी भाषण के दौरान या किसी और लेक्चर के दौरान, कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं, या इवन तो जब आप मूवी देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वहां पर भी कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं जिनको सुन के आपको नींद आने स्टार्ट हो जाती है, आपको नींद आ जाती है, इतना बोरिंग हो जाता है कि आप सो ही जाते हैं, लिटरली सो जाते हैं कुछ लोग तो। तो उसी प्रकार के लेक्चर्स, स्पीचेस या भाषण को हम कहते हैं सोपोरिफिक लेक्चर या सो बोरिंग एज टू पुट वन टू स्लीप, या इस प्रकार इतना बोरिंग होता है कि उसको सुनकर आदमी सो ही जाएगा। ठीक है, तो सोपोरिफिक का ये मतलब हो गया ए। नेक्स्ट पैनासिया फॉर सोशल इल्स, पैनासिया फॉर सोशल इल्स, सोशल बीमारियों के लिए पैनासिया। पैनासिया का क्या मतलब होता है, देखिए पैनासिया का मतलब होता है रामबाण, पैनासिया का मतलब होता है रामबाण। और रामबाण का क्या मतलब होता है, रामबाण का मतलब होता है कि एक ही दवाई, एक ही चीज जो सभी बाकी चीजों के लिए आराम या फायदा करे। तो देखिए इसमें क्या यहाँ पर आएगा, क्योर ऑल। ठीक है, क्योर का मतलब होता है इलाज करना ऑल सभी का। तो ऐसे तो कौन सी चीज होती है, ऐसी तो एक ही चीज होती है जिसको कहते हैं रामबाण। तो पैनासिया फॉर सोशल इल्स, इसका मतलब हो गया रामबाण। और इसके इसके मीनिंग के साथ हमें कौन सा परफेक्ट मीनिंग यहाँ पर मिल रहा है, क्योर ऑल, जो सभी का इलाज कर सके। तो पैनासिया, आप इसको मीनिंग को भी याद रखिए। नेक्स्ट आता है एवेंसेंट फीलिंग, एवेंसेंट फीलिंग, एवेंसेंट, एवेंसेंट फीलिंग, एवेंसेंट फीलिंग क्या होता है, एवेंसेंट मतलब होता है क्षण भंगुर, जो थोड़े समय के लिए स्थिर होती है, जो थोड़े समय के लिए टिकती है, एवेंसेंट फीलिंग। इसमें से ऑप्शन में से देखते हैं, फेडिंग अवे क्विकली, यस दिस इज द आंसर, फेडिंग अवे क्विकली, जो बहुत जल्दी फेड अवे हो जाती है उसी को कहते हैं एवेंसेंट फीलिंग, क्षण भंगुर, जो कुछ ही समय के लिए एग्जिस्ट करती है उसको हम क्षण भंगुर या एवेंसेंट फीलिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट ओवरवेल्म्ड बाय एनयू, ओवरवेल्म्ड बाय एनयू, प्रोनाउंस करना भी बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है कुछ वर्ड्स को, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको पता है तो आप उसको आराम से प्रोनाउंस कर पाएंगे। और
जरूरी नहीं है जो हमारे एक्सेंट में उसको प्रोनाउंस करें वो दूसरे एक्सेंट में अमेरिकन, इंग्लैंड या किसी जर्मन या किसी और, यदि अगर जर्मन कोई अंग्रेजी बोलेगा तो अलग तरह से बोलेगा, इंडियन अंग्रेजी बोलेगा अलग तरह से प्रोनाउंस करेगा, चाइनीज बोलेगा अलग तरह से प्रोनाउंस करेगा। तो वर्ड्स को एक्चुअल में क्या है, इनको अमेरिकन और इंग्लैंड वाले एक्सेंट में बनाया गया है, ब्रिटिश एक्सेंट में बनाया गया है, लेकिन आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे एक्सेंट में जिस प्रकार से इसको प्रोनाउंस करते हैं उसी प्रकार से प्रोनाउंस करेंगे, और भी जितने भी वर्ड्स हम प्रोनाउंस करते हैं उसी प्रकार से हम करते रहेंगे। तो एनयू का मतलब देखिए क्या होता है, एनयू का मतलब होता है ग्लानी, फेननेस या ऊब जाना किसी चीज से, ठीक है, ग्लानी फेननेस या ऊब जाना किसी चीज से। और इनमें से जितने भी हमारे पास ऑप्शन दिए गए इनमें से देखते हैं, फियर नहीं हो सकता, डिससेटिस्फेक्शन एंड बोर्डम रिजल्टिंग फ्रॉम इनएक्टिविटी, यस ये होगा, ये होगा इसका मीनिंग एनवी। जैसे मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या होता है, ग्लानी फेननेस या ऊब जाना, तो डिससेटिस्फेक्शन मतलब वही ग्लानी एंड बोर्डम ऊब जाना रिजल्टिंग फ्रॉम इनएक्टिविटी, कुछ ना करने के बिना जैसे बैठे बैठे एकदम से ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, उसी को कहते हैं एनवी। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है देखिए नंबर सिक्स, हमारा अगला वर्ड है नंबर सिक्स, फेशियस रिमार्क्स। ये क्या होता है, फेशियस रिमार्क्स क्या होता है, देखिए फेशियस रिमार्क्स होता है छिठोलिया, यानी किसी का मजाक बनाना, मोकरी करना, ठीक है, जब हम किसी का मजाक बनाते हैं, मोकरी करते हैं, छिठोली करते हैं उसके नाम के लिए या उसके किए गए काम के लिए, तो उसको कहते हैं फेशियस रिमार्क। और इसके लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट होगा, विटी और जोकी, विटी और जोकी एट एन इनअप्रोप्रिएट टाइम, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यानी विटी और जोकिंग, मजाक बनाना या कोई ह्यूमरस बात करना उस चीज के लिए या उस व्यक्ति के लिए, उसको हम कहते हैं फेशियस रिमार्क्स करना, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, माइलस्टोन ऑफ इमोशंस, ठीक है, माइलस्टोन ऑफ इमोशंस, माइलस्टोन मतलब क्या होता है, बवंडर, बवंडर तूफान, ठीक है, उसको कहते हैं माइलस्टोन। और इसके लिए क्या यहाँ पे क्या मीनिंग होगा, कैटलॉग ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नहीं वायलेंट और स्टॉर्मी कंफ्यूजन, यस दिस इज द वर्ड, वायलेंट और स्टॉर्मी कंफ्यूजन। जब आपके दिमाग में इस प्रकार की चीजें चलती हैं, ठीक है, जब आपका झगड़ा किसी के साथ हो गया या किसी ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया, तो आपके दिमाग में थॉट्स का एक बवंडर आ जाता है, थॉट्स का एक बवंडर आ जाता है, और वो सभी नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी हो सकते हैं। तो उसी कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं माइलस्टोन ऑफ इमोशंस, जब हमारे जो इमोशंस हैं वो उमड़ उमड़ कर आते हैं, एक बवंडर, एक तूफान आ जाता है पूरा इमोशंस का, उस टाइम उस कंडीशन को हम कहते हैं माइलस्टोन इमोशंस का बवंडर आ जाना। तो इसीलिए हम यूज करेंगे वायलेंट या स्टॉर्मी कंफ्यूजन, स्टॉर्मी कंफ्यूजन मतलब तूफान जैसा कंफ्यूजन हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाता है, उसी को कहते हैं स्टॉर्मी कंफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट एट, नंबर एट पर चलते हैं, नंबर एट, नंबर एट देखिए दिया मॉडलिन, मॉडलिन इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, मॉडलिन एटीट्यूड्स, मॉडलिन एटीट्यूड्स का मतलब होता है भावुक होना, टीयरफुली एंड एक्सेसिवली सेंटिमेंटल, दिस इज द वर्ड, टीयरफुली यानी जैसे रोते हुए, एक्सेसिवली सेंटिमेंटल बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं, एंड दिस इज द सिचुएशन, जब आप अपने मूवीज वगैरह देखते हैं तो वहां पर ज्यादातर ये चीजें आपको देखने को मिलती है हिंदी मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज में ये इमोशंस, सेंटिमेंटल, एक्सेसिवली वो भी टीयरफुली आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपने एक फेमस मूवी देखी होगी मेरे करण अर्जुन आएंगे, राखी उसमें ये बोलती है, एक्ट्रेस राखी उसमें ये बोलती है मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो दैट इज द कंडीशन, दैट वाज द कंडीशन ऑफ मॉडलिन, ठीक है, टीयरफुल एंड एक्सेसिवली सेंटिमेंटल, भावुक होने वाली, बहुत सारी चीजों के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जितने भी वर्ड्स आप पढ़े, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज बताई थी आपको विजिटिंग कार्ड वाली, ठीक है, उसमें आपने क्या करना था, यहाँ पर फ्रंट पेज पर, सॉरी फ्रंट साइड में आपने उसका वर्ड लिखना था और बैक साइड में आपने उसका मीनिंग लिखना था, ऐसे आपको डेली 5 कार्ड बनाने थे,
और पांच कार्ड के पे आपने दो वर्ड लिखने थे, तो आपके पास डेली 10 वर्ड हो जाने वाले थे। तो ये 10 वर्ड्स को आप जब भी आप नोट डाउन करें, चाहे आप इस एक्सरसाइज से नोट डाउन करें, चाहे आप न्यूज़पेपर से नोट डाउन करें, या फिर आप मैगजीन से न्यूज नोट डाउन करें, ठीक है, कहीं से भी आप नोट डाउन करें आप वर्ड्स को, उन वर्ड्स को आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए आपके डेली लाइफ में होने वाली घटनाओं के साथ। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो वर्ड्स आपको जल्दी याद होंगे, आप वर्ड्स को जल्दी रिकॉल कर सकते हैं, जल्दी समझ सकते हैं, क्योंकि जब आप वर्ड्स को रिकॉल करेंगे, आप कनेक्ट करेंगे आपके रियल घटनाओं के साथ डेली लाइफ में, तो आप वर्ड्स को भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपके साथ जो घटना होती है उसको आप बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं, याद करने वाली चीजों को आप कम समय तक याद कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, इन सब वर्ड्स को आप कनेक्ट कीजिए आपके रियल घटनाओं के साथ। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं, तो आप इनको बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड हमारा adroitly, नेक्स्ट वर्ड हमारा adroitly, और adroitly का मतलब होता है skillfully या दक्षतापूर्ण, या दक्षतापूर्ण, ठीक है, skillfully या दक्षतापूर्ण हमारा वर्ड होता है adroitly, ठीक है, जिसकी स्किल्स बहुत ज्यादा शार्पन होती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्किल्स होती हैं, उसको हम कहते हैं adroitly। तो इसको आप याद रख सकते हैं इस तरह से। ओके, नेक्स्ट यानी लास्ट हमारा वर्ड है सार्डोनिक। सार्डोनिक, सार्डोनिक का मतलब होता है तिरस्कार पूर्ण, एम्प्टी, खाली या मीनिंगलेस, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता हो, जो खाली हो या मीनिंगलेस हो, उसको हम कहते हैं सार्डोनिक, ठीक है, या तिरस्कार पूर्ण, इसका इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, तिरस्कार पूर्ण, ठीक है, ये भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे फॉर्म किए 10 वर्ड, जिसका समय हमने आपको दिया था 2 मिनट। तो आप अपने टाइम में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कीजिए, इस टेस्ट को परफॉर्म कीजिए, और लास्ट में यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, सो दैट आपको इवेल्युएशन हो सके। जब आप 30 दिन के बाद ये एक्सरसाइज, ये पूरी बुक कंप्लीट करने के बाद, जब आप ये इस प्रकार के टेस्ट मैं आपको और भी कराऊंगा, वो वाले टेस्ट जब आप परफॉर्म करेंगे, तब आप पाएंगे कि आप कितना ज्यादा आगे, कितना ज्यादा एनहेंस आपके वोकैबुलरी को कर चुके हैं, ठीक है। आई होप ये जो टेस्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, अगला कौन सा टेस्ट है उसको परफॉर्म करते हैं। उससे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ क्या आंसर्स रखता हूँ, सो दैट आप करेक्टली उनको यूज कर पाए। देखिए ये सारे जो मीनिंग है, जितने भी आंसर्स हैं, करेक्ट यूज हैं उनका, वो मैंने आपको दिखा दिया है, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा टेस्ट है स्पेलिंग विदाउट एरर, ठीक है, स्पेलिंग विदाउट एरर, यानी हमने स्पेलिंग तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर, कोई भी आप एग्जाम दे रहे होंगे, आप SSC CGL का एग्जाम दे रहे होंगे, आप NDA का एग्जाम दे रहे होंगे, CVS का एग्जाम दे रहे होंगे, या किसी पुलिस का एग्जाम दे रहे होंगे, या बैंक का एग्जाम दे रहे होंगे, रेलवे का एग्जाम दे रहे होंगे, तो हर जगह आपको ये स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। अगर आपको ये अच्छे से पता है, और ये कब, ये यहाँ से पढ़ने से आपको नहीं, मैं 2 मिनट का टेस्ट या 60 सेकंड का टेस्ट आपको करा दूं और आपको कहूं कि आपको स्पेलिंग आ गई, जी नहीं, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल हो पाएगा जब आप कंटिन्यू जब आप वो वाली एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई थी वो करेंगे, और वो क्या थी, रीड, राइट एंड मेमोराइज। ये एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी सेकंड वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके जरूर देखिए, आपके काम आएगी। तो ये एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी कि किस प्रकार से आपने अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना है, ठीक है, वहां पर आपकी हर चीज कवर होगी, वहां पर आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, वहां पर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा, वहां पर आपकी रीडिंग हैबिट भी बढ़ेगी, राइटिंग हैबिट भी बढ़ेगी, और चीजों को कैसे याद रखते हैं वो भी एनहेंस होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग परफॉर्म करने वाले देखें टेस्ट 7, और टेस्ट 7 में क्या दिया गया है, टेस्ट 7 में दिया है, देखिए टाइम वही है 60 सेकंड, करना क्या, आपने सही स्पेलिंग को पहचानना है, सही स्पेलिंग को आपने यहाँ पे पहचानना है। मैं जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूँ, देखिए क्या है, फर्स्ट हमारा दिया गया अकरेंस। अकरेंस का मतलब क्या होता है, अकरेंस का मतलब होता है
अकरेंस का मतलब होता है कोई घटना, इवेंट, इंसिडेंट, हादसा जब कोई होता है उसी को हम कहते हैं अकरेंस। ठीक है, तो इसमें देखिए सही स्पेलिंग कौन सा है। सही स्पेलिंग है यहां पर अकरेंस, ई आएगा यहां पर, देखिए ये वाला। ठीक है, ये है सही स्पेलिंग और इसका मतलब होता है घटना। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा सो दैट आपको याद रहे, घटना, इवेंट, हादसा, ये सभी मीनिंग होते हैं अकरेंस के। ओके, नेक्स्ट सेकंड, एकस्टेसी। एकस्टेसी का क्या मतलब होता है? ये जो स्पेलिंग है ये फर्स्ट वाली, ये सही है। और एकस्टेसी का मतलब होता है उत्साह, ठीक है, एंथुजियाज्म, उत्साह या एंथुजियाज्म जिसको हम कहते हैं, यानी उत्साह से भरा हुआ, एक्साइटमेंट से भरा हुआ, उसी को हम कहते हैं एकस्टेसी। इस तरह के वर्ड्स को भी आप अपने डेली लाइफ में होने वाली घटनाओं के साथ जोड़ सकते हैं। नंबर तीन, ड्रंकननेस। ड्रंकननेस, ठीक है, ड्रंकननेस, ये डबल एन इसमें आएगा, यहाँ पर सिंगल एन दिया गया है, तो इसका मतलब हो गया ये वाला, ये इसका आंसर है ड्रंकननेस। और ड्रंकननेस मतलब जो पियकर होता है, इंटॉक्सिकेटेड आदमी होता है, ठीक है, शराबीपन, ठीक है, शराबी, क्योंकि एडजेक्टिव है एक्चुअली, ड्रंकननेस एक स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट है, तो ये एडजेक्टिव है, इसलिए ड्रंकननेस मतलब शराबीपन, शराबीपन, शराबी नहीं, आदमी नहीं, ये नाउन नहीं है एक्चुअली, ठीक है, नाउन होता तो हम शराबी बोलते, शराबीपन मतलब हम एडजेक्टिव बोल रहे हैं, क्योंकि नाउन की विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव बोल रहे हैं। अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो ग्रामर के लिए भी हमने एक सीरीज चला रखी है, जिसमें हम नाउन नाउन पढ़ा चुके हैं, उससे पहले सेंटेंस पढ़ा चुके हैं, सेंटेंस पढ़ा चुके हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं वो पढ़ा चुके हैं, उसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम एडजेक्टिव पढ़ा रहे हैं, नाउन पहले पढ़ा चुके हैं, फिर एडजेक्टिव अभी चल रहा है, एडजेक्टिव खत्म होने वाला है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर की लिस्ट में। ओके, ड्रंकननेस आपको समझ में आ गया, ये हो गया ड्रंकननेस। नंबर फोर, एम्ब्रेसिंग। देखिए एम्बेरसिंग क्या होता है, एम्बेरसिंग, एम्बेरस मतलब होता है इंसल्ट करना, किसी की, किसी को बुरा भला बोलना, उसको कहते हैं एम्बेरसिंग, शर्मिंदा करना, उसको कहते हैं एम्बेरसिंग। तो ये जो मीनिंग है, ये जो यहाँ पर वर्ड दिया गया है, ये एकदम करेक्ट वर्ड है, एम्बेरसिंग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे नंबर पांच दिया गया, इररेजिस्टिबल। इररेजिस्टिबल का मतलब देखिए क्या होता है, इररेजिस्ट, रेजिस्ट क्या होता है, रेजिस्ट मतलब किसी चीज को रोकना होता है, इररेजिस्ट मतलब क्या होता है, अथक, टायरलेस, जो कंटिन्यू काम करने वाला चीज होती है उसको अस्थिर कह सकते हैं, अनस्टेबल कह सकते हैं। तो इररेजिस्टिबल का मतलब होता है स्थिर, अस्थिर, टायरलेस, अथक या फिर अनस्टेबल। नंबर सिक्स, सुपर सील। सुपर सील मतलब होता है जब हम अपनी, जैसे हाई कोर्ट की कुछ पावर्स डिफाइन की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट की उससे ज्यादा पावर डिफाइन की गई है, यानी जिन मुद्दों पर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिन मुद्दों पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सजा सुना सकता है, ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उससे ज्यादा बड़े मुद्दों पर या बड़े घटनाओं पर सजा सुना सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपनी पावर्स को सुपरसीड नहीं कर सकता, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपनी पावर्स से ज्यादा मुद्दे पर सजा नहीं सुना सकता, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मौत की सजा या उम्र कैद की सजा नहीं दे सकता, ठीक है, अगर ऐसा करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा करता है तो वो अपनी पावर को, ठीक है, अपनी पावर को सुपरसीड कर रहा है, तो वो अपनी पावर को क्या कर रहा है, सुपरसीड कर रहा है, यानी ओवर पावर, इसका मतलब हो गया ओवर पावर, तो सुपरसीड का मतलब हो गया ओवर पावर। और सही स्पेलिंग कौन सी है यहाँ पर, ए सही स्पेलिंग है सुपरसीड। ओके, नेक्स्ट है सेवन, डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट, तो डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट का मतलब क्या होता है, डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश या फ्रस्ट्रेट। डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश या फ्रस्ट्रेट, और इसका जो सही स्पेलिंग है वो ये है डिसअपॉइंट, ठीक है। आप जब पढ़ेंगे ना, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, जब आप रीडिंग हैबिट डालेंगे तो वर्ड्स अपने आप आपको रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप उसकी स्पेलिंग क्या है, क्योंकि जब आप डेली 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 वर्ड्स को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको वर्ड्स की स्पेलिंग ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। ओके, तो डिसअपॉइंट ये हुआ, और इसका मतलब होता है निराश, इसका मतलब होता है क्या, निराश, ठीक है, डिसअपॉइंट का मतलब निराश या फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं ओकेजनल, नेक्स्ट आगे चलते हैं ओकेजनल, और ओकेजनल का मतलब होता है क्या,
ये सॉरी, इसका सबसे पहले आप देख लीजिए मीनिंग, ओकेजनल, ठीक है, डबल एस नहीं आएगा इसमें, तो ओकेजनल होता है ये वाला। ओकेजनल का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है, जो चीज़ कभी कभी होती है, प्रासंगिक होती है, कभी कभी होती है, उसको हम ओकेजनल कहते हैं, ठीक है, डेली ना होने वाली चीज़ ओकेजनली होती है, तो इसको हम कहते हैं ओकेजनल। नेक्स्ट नाइन, इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल, ये सही मीनिंग है इंडिस्पेंसेबल। और इंडिस्पेंसेबल का मतलब क्या होता है, इनएविटेबल या परम आवश्यक, जिसकी जिसके बिना काम ही नहीं चलेगा, इंडिस्पेंसेबल, जिसके बिना काम ही नहीं चलेगा। और इसका सिनोनिम आप इनएविटेबल एक वर्ड है, वो भी आप लिख सकते हैं, या परम आवश्यक, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, वो इसका मतलब है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 10, प्रिजर्वरेंस, परसिवरेंस, ओके सॉरी, इसका मतलब हुआ परसिवरेंस। हाँ, परसिवरेंस का क्या मतलब होता है, परसिवरेंस का मतलब होता है, परसिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, परसिस्टेंस, दृढ़ता या परसिस्टेंस, आप कितनी देर तक चीजों को सहन कर पाते हैं, ठीक है, सहन शक्ति भी आप इसको बोल सकते हैं, या आपके अंदर कितने लंबे समय तक उस चीज को सहन करने की शक्ति है, दैट इज कॉल्ड दृढ़ता। एक तो हो गया सहन शक्ति, ठीक है, आप सहन कर रहे हैं, लेकिन सहन भी आप कितने लंबे समय तक कर सकते हैं, आपका आपका जो दृढ़ निश्चय है वो कितना अथक है, कितना कठिन है, जो आप उसको दृढ़ निश्चय को आपके निभा पाते हैं लंबे समय तक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस। तो परसिवरेंस ये वाला जो वर्ड है, ये करेक्ट स्पेलिंग है परसिवरेंस की। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 10 वर्ड को परफॉर्म किया है टेस्ट नंबर 7 के अंदर। टेस्ट नंबर 7 था हमारा स्पेलिंग विदाउट वर्ड। तो अगर ये, और इसका टाइम था 60 सेकेंड, आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं पॉज करके, जितने वर्ड्स, जितने भी मीनिंग आपको आते हैं, जितने भी स्पेलिंग्स आपको आते हैं, दैट इज गुड एनफ। और अगर नहीं आते हैं तो तभी तो हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, तभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। हम ये जो वोकैबलरी है 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबलरी, इसलिए तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 8, ये हमें क्या कहता है, टेस्ट नंबर 8 कहता है प्रोनाउंसिंग इन द एजुकेटेड मैनर, यानी जिन वर्ड्स को हम प्रोनाउंस करते हैं डेली लाइफ में, उनको अच्छे से प्रोनाउंस भी कर पाए, सो दैट हमारा जो पर्सनालिटी रिफ्लेक्शन है, हमारा जो इनर रिफ्लेक्शन है, वो दूसरे के सामने इम्प्रेशन एक ऐसा बने कि हाँ, ये बंदा, ये आदमी जो अंग्रेजी बोल रहा है या जो जो भी भाषा बोल रहा है, वो सही मैनर में, सही करेक्ट तरीके से बोल रहा है और उसकी एक इफेक्टिव लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये दिया गया ना, ये जो सिंबल है यहाँ पर लिखा भी है, द सिंबल, ये वाला सिंबल इज द साउंड ऑफ आ का साउंड इससे ये प्रोनाउंस करेगा, ठीक है। और किस प्रकार से हम इसको प्रोनाउंस करें, देखिए यहाँ पर इसने इसको सिलेबल, डिफरेंट डिफरेंट सिलेबल में, सिलेबल क्या होता है देखिए, ठीक है, सिलेबल क्या होता है, सिलेबल का मतलब होता है कि जो फोनिक्स वर्ड्स होते हैं ना, जब आप बचपन में आपने पढ़े होंगे फोनिक्स वर्ड, तो उसमें क्या करते हैं, हम वर्ड्स को जोड़ जोड़ के बनाते हैं, जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है, मॉडर्न, मॉडर्न, जैसे ये वाला वर्ड है मॉडर्न, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनको फोनिक्स वर्ड को अलग अलग जोड़ के बनाते हैं, तो इनको कहते हैं सिलेबल। जैसे ये दो सिलेबल से मिलकर बना है, अगर जैसे इन टै ली जेंट, ये चार सिलेबल से मिलकर बना है, ठीक है। यानी आप उन फोनिक्स वर्ड को जब आप ब्रेक कर देते हैं बीच बीच में, तो जितने भी फोनिक्स वर्ड में वो ब्रेक होता है, उसी को उतने सिलेबल में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो वो तो हो गई डिफरेंट बात। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, ओके, जेन विन, ठीक है, जेन विन, जेन विन, ये देखिए। अच्छा, इसमें एक चीज और खास है, क्या खास है, वो ये खास है कि हमारी इंडियन लैंग्वेज में हम किस प्रकार से प्रोनाउंस करते हैं उसका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है, वो भी मैं आपको इसी के साथ साथ बताऊंगा। तो जेन विन, ठीक है, ये हम देखिए, ये वाला जो प्रोनाउंसिएशन है, ये हम यूज करते हैं जेन विन यहाँ पर इंडिया में, इसको हम अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट में यूज कर सकते हैं, आई डोंट नो। एथलीट, ठीक है, एथलीट, ये हम, ये वाला देखिए, ये वाला प्रोनाउंस यूज करते हैं एथलीट, हम तो डायरेक्ट बोलते हैं एथलीट, ठीक है, जबकि हो सकता है अलग लैंग्वेज में या अलग एक्सेंट में ये इस तरह से भी, एथलीट इस तरह से भी प्रोनाउंस होता हो, ठीक है। फिल्म, ये तो सिंपल है, फिल्म, ओके, मॉडर्न,
जैसे देखिए यहाँ पर तीन चीजें दी गई हैं, हो सकता है अलग अलग एक्सेंट में इसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं या बोलते हैं, लेकिन हम अपने इंडियन लैंग्वेज में मॉडर्न ही बोलते हैं। तो मॉडर्न ये वाला जो देखिए मॉडर्न मॉडर्न ये हम बोलते हैं अपना इंडियन एक्सेंट में। ओके नेक्स्ट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ये वाला देखिए एक्सेप्ट हम बोलते हैं। उसके बाद है ड्राउंड ड्राउंड ड्राउंड, ठीक है हम सिंपल बोलते हैं ड्राउंड, ये रहा सिंपल ड्राउंड। ओके रेस क्या लिखा है यहाँ पर, रेसल रेसल, ठीक है देखिए रेसल सिंपल आपको उसकी आवाज खुद निकल के आएगी रेसल। पैटर्न पैटर्न, ठीक है पैटर्न नहीं पैटर्न, ये वाला देखिए ये वाला, इससे क्या निकल गया क्या पैटर्न और इससे निकल गया क्या पैटर्न, ठीक है तो हम तो पैटर्न ही बोलते हैं तो ये हो गया पैटर्न। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिया फिगर, फिगर हम ये वाला बोलते हैं, हम डायरेक्टली बोलते हैं फिगर। अटैक्ड अटैक्ड हम डायरेक्टली अटैक्ड, तो ये वाला हम बोलते हैं देखिए। तो इसी प्रकार से ये यहाँ पर क्योंकि अलग अलग इसलिए दे रखे हैं कि अलग अलग एक्सेंट में अलग अलग तरीके से बोला जाता है, हम अपना इंडियन एक्सेंट क्या है उसी हिसाब से पढ़ लेंगे क्योंकि हमें वही काम आने वाला है, ठीक है। तो जब क्योंकि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज या आईलेट्स की तैयारी करते हैं या फिर आप अदर एक्सेंट की तैयारी करते हैं, आपने कहीं बाहर विदेश में जाना है तो आप अदर एक्सेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए मैंडेटरी हो सकता है, बट हमने अपने कॉम्पिटिशन के लिए अपने इंडियन लैंग्वेज के लिए इंग्लिश को पढ़ना है तो हम उसी तरीके से हम इनको यूज करेंगे जिस तरीके से जिस प्रकार से हमारे इंडिया में इनको बोला जाता है, ठीक है। तो यह सिंपल तरीका है कि किस प्रकार से आप इनको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। ये भी है कुछ टाइम टाइम पे हम आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, यहाँ पर आप इसको 90 सेकंड में परफॉर्म कर सकते हैं ये वाले टेस्ट को, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए द रोमांस ऑफ वर्ड्स, द रोमांस ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके मीनिंग आपने अपने से लिखने हैं। इसके लिए आप अपने आपको 2 मिनट का टाइम दीजिए, 2 मिनट का टाइम दे सकते हैं, ठीक है। कितने वर्ड्स इनमें से 11 वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं, आपको इसमें से कितने वर्ड्स आते हैं वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ओके तो सबसे पहला वर्ड यहाँ जो दिया गया वो है फास्टिडियस, ठीक है। फास्टिडियस मतलब होता है, फास्टिडियस का मतलब होता है जो कठिनाई में भी खुश रहने वाला व्यक्ति हो, ठीक है, जो कठिनाई में भी खुश रहने वाला व्यक्ति हो, कठिनाइयों में भी खुश रहने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं फास्टिडियस। वहीं उसका अपोजिट है फसी, फसी का मतलब होता है जो बात का पतंगड़ बनाता हो, ठीक है, जो बात का पतंगड़ बना देता हो, ठीक है। तो इसे एक दूसरे का ऑपोजिट वर्ड है फास्टिडियस और फसी, तो आप इनको दोनों को यूज कर सकते हैं आपके डेली लाइफ में, यूज इनको यूज कर सकते हैं। वर्ड्स को आप यूज करना सीखिए, वर्ड्स को आप कनेक्ट करना सीखिए। जब आप वर्ड्स को कनेक्ट करेंगे, जब आप वर्ड्स को यूज करेंगे आपके डेली लाइफ में, तभी वो आपकी मेमोरी में बैठेंगे। अदरवाइज उनको रट के तो आप उनको कभी भी याद नहीं कर सकते, क्योंकि कम से कम भी 1.5 से 2.25 लाख वर्ड्स हैं डिक्शनरी के अंदर, तो सभी वर्ड्स को तो आप याद नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं होंगे। जिसने डिक्शनरी लिखी है उसने भी लिखा था कि जो वर्ड्स हैं वो कंपाइल किए हैं उसने, ठीक है, उनको मेमोराइज करके, उसने राइट डाउन नहीं किया है, कंपाइल किया है अलग अलग जगह से देख कर, ठीक है। तो डोंट वरी अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मुझे तो इतने सारे वर्ड्स आते ही नहीं है, तो आपने चीजों को कनेक्ट करना है, वर्ड्स को कनेक्ट करना है, ठीक है, रटना नहीं है उनको, और रट कोई सकता नहीं है इतने सारे वर्ड्स को। तो फास्टिडियस का मतलब होता है जो कठिनाई में भी खुश रहे, और फसी का मतलब होता है जो छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बना सकता है, बना देता है। एटिमोलॉजी देखिए क्या होता है, इसको 2 में डिवाइड कीजिए, एटिमो, ठीक है, एटिमो, एटिमो का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ट्रू, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी या साइंस, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया द स्टडी ऑफ ट्रू, ट्रू या ओरिजन, ठीक है, यानी ऐसी स्टडी, ऐसी पढ़ाई जिसके अंदर हम ट्रू या ओरिजिन, कोई चीज कहाँ से निकली है, कहाँ से पैदा हुई है, कहाँ से बनी है, उसकी हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एटिमोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट सुपरसीलियस, नेक्स्ट का मतलब होता है सुपरसीलियस, और सुपरसीलियस का मतलब होता है घमंडी, ठीक है, सुपरसीलियस का मतलब होता है घमंडी या स्कॉन, स्कॉनफुल, ठीक है, ये इसका मतलब होता है सुपरसीलियस, ठीक है। आप कनेक्ट कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं आप इन पे, जितने भी यहाँ पे मैंने 11 वर्ड्स दिए हैं
11 वर्ड्स का आप एक ही सेंटेंस या दो दो सेंटेंस फॉर्म कीजिए अपनी डायरी में, अपने नोटबुक में, सो दैट आप ये सभी सेंटेंस, सभी वर्ड्स को आप कनेक्ट कर पाए। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब होता है दर्शक, ठीक है, दर्शक को कहते हैं स्ट्रक्चर, जो देखता है कि चीजों को, ठीक है। मान झगड़ा हो रहा है तो झगड़ा तो दो लोगों के बीच में होगा, वहां पर बाकी जितने भी लोग खड़े रहेंगे दैट इज वो क्या है, वो स्पेक्टेटर है, उनको हम स्पेक्टेटर बोलेंगे। स्पेक्टेकल एक वर्ड है, इसी के साथ हम एक वर्ड और पढ़ सकते हैं क्या, स्पेक्टेकल, ठीक है। स्पेक्टेकल का मतलब होता है वो जो चश्मे हम पहनते हैं ना, वो जो चश्मे हम लोग पहनते हैं उनको हम कहते हैं स्पेक्टेकल, जिसके थ्रू हम देखते हैं। स्पेक्टेटर मतलब जो दर्शक है, स्पेक्टेकल मतलब जिसके थ्रू हम देखते हैं वो होता है, ओके। इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है आत्म निरीक्षण, ठीक है, आत्म निरीक्षण करना इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है, अपने आप का निरीक्षण करना ही इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। ग्राफिंग मतलब होता है टू राइट, यानी राइट डाउन करना किसी चीज को, ग्राफिंग का मतलब होता है टू राइट, राइट डाउन करना, ठीक है। अब इसी से मिलकर कई सारे वर्ड्स बने हैं, जैसे टेलीग्राफ, स्टेनोग्राफ या माइनोग्राफ। टेलीग्राफ मतलब, टेलीग्राफ का मतलब होता है जो दूर वाली चीजों को राइट फ्रॉम डिस्टेंस से लिखता है, ठीक है। टेलीग्राफ जैसे हमने सुना भी होगा कि आपका टेलीग्राफ आया है, ठीक है, तो टेलीग्राफ मतलब होता है दूर से बैठ के चीजों को लिखता है, दैट इज कॉल्ड टेलीग्राफ। स्टेनोग्राफ जो चीजों को शॉर्ट करके लिखता है, ठीक है, जो चीजों को शॉर्ट करके लिखता है या कंडेंस कर देता है, वन हु कंडेंस राइटिंग दैट इज कॉल्ड स्टेनोग्राफ, ठीक है। कंडेंस कैसे करता है? शॉर्ट हैंड वाले आपने सुने होंगे, ठीक है, कि शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफर, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, ये पूरे की पूरी जो स्पीच होती है या जो भाषण होता है उसको सांकेतिक भाषा में लिख के शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर वो शो शब्दों में लिखी हुई है, ठीक है, तो शो शब्दों को 20 से 30 शब्दों में, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इतने शब्दों में उसको शॉर्ट कर देते हैं, कैसे, कुछ सिंबल्स की मदद से, ठीक है, कुछ सिंबल्स की मदद से या फिर कुछ शॉर्ट करके जो उनके सिंबल्स दिए गए होते हैं। तो टेलीग्राफ का मतलब होता है जो दूर बैठ के चीजों को लिखता है, दैट इज कॉल्ड टेलीग्राफ। स्टेनोग्राफ मतलब क्या होता है, जो कंडेंस कर देता है या शॉर्ट कर देता है चीजों को, वो होता है स्टेनोग्राफ। और माइनोग्राफ होता है, माइनोग्राफ मतलब होता है जो लिखी हुई चीजों को कॉपी करता है हूबहू, ठीक है, वन हु कॉपी राइटिंग, ठीक है, राइटिंग को जो कॉपी करता है उसको हम कहते हैं माइनोग्राफ। माइनोग्राफ का मतलब होता है जो राइटिंग को कॉपी कर देता है, हूबहू कॉपी कर देता है, ठीक है, एग्जैक्टली कॉपी कर देता है, उसको कहते हैं माइनोग्राफ। उसके बाद लिगामेंट, देखिए लिगामेंट क्या होता है, टाइज समथिंग, टाइज टू थिंग्स। लिगामेंट का मतलब होता है समथिंग टाइज टू थिंग्स। लिगामेंट उसको कहते हैं जो दो चीजों को आपस में जोड़ देता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी लिगामेंट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे हमारे घुटने में लिगामेंट होता है, हमारे एल्बो में निकल लिगामेंट होता है, और भी बॉडी पार्ट्स में हमारे शोल्डर में लिगामेंट होता है। तो वो लिगामेंट का मतलब होता है कि वन हु समथिंग टाइज टू थिंग्स, दो चीजों को आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है, जहाँ पे बॉडी में हमारे जॉइंट्स है वहां पर लिगामेंट होता है। तो मुझे उम्मीद है ये जो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सो दैट जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंचता रहे, ओके। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपने पिछले लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे जाकर, तो सबसे पहले आप पिछले लेक्चर्स जरूर देख लीजिए, सो दैट आप अगले लेक्चर्स के साथ में उनको कनेक्ट कर पाएं। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।